ऑल राइट, हेलो, बोनजूर, नमस्ते। तो मैं आ चुका हूँ वापस इंडिया से जर्मनी, और जैसा कि आप देख सकते हो पीछे थोड़ी बहुत स्नो दिख रही होगी अभी आपको यहाँ पे, तो स्नोफॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जिनका ये क्वेश्चन है कि जब इंडिया से जर्मनी ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस समय क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, कौन से फॉर्म, कौन से टेस्ट लग रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ के लिए देख रहे हैं वीडियो, तो येस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो विदाउट वेस्टिंग बट वेट अ मिनट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव इन अ वीडियो। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। तो यार, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे बोले गए थे कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ही डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो लग रहा था वो था RT-PCR टेस्ट। वो मैंने मुंबई में ऑलरेडी करा लिया था, आपको पता ही होगा कि 600 रुपये या 700 रुपये में आ गया, सो घर पे आके करके चले जाते हैं। और सबसे बेस्ट सर्विस, मतलब जो सर्विस आपको जर्मनी में ऑब्वियसली नहीं मिल सकती। तो ओनली वन डॉक्यूमेंटेशन विच आई वॉज कैरिंग वॉज अ RT-PCR टेस्ट, एंड अदर देन दिस माई ID कार्ड, माई पासपोर्ट एंड माई वीज़ा, दैट्स इट। तो यार, मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से फ्रैंकफर्ट की, तो अपन ने पहले तो अपना बोर्डिंग पास ले लिया, यहाँ पे ID कार्ड और कोविड सर्टिफिकेशन चेक किया गया, और बोर्डिंग पास लेने के बाद अपनी सिक्योरिटी चेक, जो कि काफ़ी नॉर्मल था, कुछ खास नहीं। और हाँ, यहाँ पे बोर्डिंग के टाइम पे गेट्स पे उन्होंने फिर से कोविड का वो चेक किया था, सर्टिफिकेशन चेक किए उसके बाद। और हाँ, सरप्राइजिंगली यहाँ पर ये पैसेंजर लोकेटेड फॉर्म भरवाया गया था फ़्लाइट के टाइम पर ही, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, गैस 8 घंटे की फ़्लाइट थी मेरी फ्रैंकफर्ट तक की, और तो कुछ भी चेक नहीं हुआ बीच में। तो फिर जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंटेशन देखा गया, जो कि इमिग्रेशन पे देखा गया, वो था सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखा गया। सरप्राइजिंगली RT-PCR टेस्ट कहीं पे भी चेक नहीं हुआ, इंडिया से लेके जर्मनी तक कहीं पे भी चेक नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट था वो था आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। प्लीज़ उसकी हार्ड कॉपी भी कैरी करना, क्योंकि मैंने फ़ोन में एप्लीकेशन में दिखाया था उनको, तो मेरे पास आई गेस कोव टेस्ट करके एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में मैंने डाला हुआ था दोनों सर्टिफिकेट्स को। तो उसमें ना स्विट्ज़रलैंड का ऊपर साइन बन के आता है, उनको समझाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई मुझे कि एक सर्टिफिकेट अगर होता है तो स्विट्ज़रलैंड में वैलिड नहीं था, दो सर्टिफिकेट है तभी वैलिड है, बट वो बोलते स्विट्ज़रलैंड का साइन ऊपर बना हुआ है, मतलब जो तुम्हारे पास वैक्सीनेशन है वो सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में वैलिड है और दुनिया भर की बातें। तो उनको समझाने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ, लेकिन मेरे पास लकीली हार्ड कॉपी थी दोनों सर्टिफिकेट्स की, जो कि आप को पास एप्लीकेशन से निकाल सकते हो, तो जिसने काफ़ी प्रोसेस को सिंपल कर दिया। तो यार, ये था कंप्लीट प्रोसेस जो इस समय हो रहा है अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो वहाँ से यहाँ पे। तो बाकी मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगे नहीं खास, काफ़ी सिंपल और इजी प्रोसेस है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ उस चीज़ के लिए, एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू रिस्पॉन्ड ऑब्वियसली। तो हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियोस। चाओ। It sound right, boy.